हाँ, मेरा नाम रितेश है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। तो सर आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर में आपको कितना टाइम हुआ आए हुए? मुझे 2 दिन हो गए। तो कैसा लगा कश्मीर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज अब टूलिप गार्डन है, तो कैसा फील यहाँ पे हो रहा है? मैं स्पेशली टूलिप गार्डन देखने ही आया हूँ, और मैं भी कल परसों भी आके 1-2 चक्कर लगा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, इससे पहले आपने कश्मीर विजिट किया है? इसके पहले एक लास्ट ईयर भी आया था, वो अमरनाथ जाते वक्त 1 दिन रुका था, और आज आया हूँ स्पेशली। इस बार तो आया हूँ टूलिप गार्डन के लिए। तो अभी क्या सिचुएशन है कश्मीर की, जैसे दिखाया जाए? मुझे तो कुछ नहीं लगा, मुझे तो एज इट इज नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही लगा। तो सर अभी मुझे दिल्ली और इसमें कोई फर्क नहीं लगा। तो सर अभी आपकी क्या मैसेज रहेगी जो बाहर मैसेज जा रही है कश्मीर की यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ये अफवाह है। जो भी है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, मीडिया मोटिवेटेड हो, इससे अफवाह, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल अच्छा है। तो सर क्या मैसेज कन्वे करें? बिल्कुल आइए, टूलिप गार्डन एंजॉय कीजिए यहाँ आके, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू जी। मैम आपका नाम कहाँ से आया? मैं पुष्पा राव, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मैम कैसा लगा आपको कश्मीर? कितने दिन हुआ? कश्मीर मुझे आए हुए 2 दिन हो गए, और कश्मीर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो मैम कैसा फील हुआ यहाँ पे आए हुए? जो कश्मीर के बारे में जो बोला जाता है कि धरती का स्वर्ग है, ये सही मायने में धरती का स्वर्ग है। तो मैम अगर हम सिचुएशन की बात करके बाहर, जो सिचुएशन, हमें तो कोई फीलिंग नहीं हुई दिल्ली और यहाँ में, हमें कोई फर्क नहीं लगा, कुछ भी नहीं। जैसे दिल्ली है वैसे श्रीनगर और सारे कश्मीर। तो आज आपने टूलिप गार्डन विजिट किया है पहली बार? तो पहली बार हो रहा है। बहुत ही टूलिप गार्डन बहुत ही सुंदर है, सभी को एक बार जरूर टूलिप गार्डन देखने आना चाहिए। जी मैम आपका नाम और कहाँ से आए आप? मैं सीमा हूँ, मेरा नाम सीमा है, मैं भी दिल्ली से ही आई हूँ, और बहुत ही सुंदर है ट्यूलिप गार्डन। इवन कश्मीर भी बहुत ही सुंदर है, और सभी से मेरा ये अपील है कि सभी लोग आए और यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल अमन और शांति है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ट्यूलिप गार्डन कौन सी खास तैयारी इस साल इस बारे में थी? तैयारियां जो हैं वो मामूल के मुताबिक जो होती हैं, लेकिन हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ज़्यादा तफसीलात जो हैं वो आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना है कि आज की तारीख में टूलिप गार्डन जो है वह अमरनाथ के लिए खोल दिया गया है। 51 वेराइटीज़ हैं ट्यूलिप्स की, कुल मिला के हाइसेंथ की 12 वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ मस्करी जो है वो भी अच्छी खासी तादाद में है। और बाग को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए इस दफ़ा स्ट्रीट लाइट्स, बॉलर लाइट्स और फोकल लाइट्स का भी अहतमाम किया गया है। आने वाले लोग शाम देर तक बाग का नज़ारा कर सकते हैं, और शाम के वक्त बागी गुले लाला का मंजर जो है वो और भी ज़्यादा हसीन होगा। और आज जो एक और ख़ूबसूरत बात है कि बाग के अंदर तो ब्लूम है ही 30 से 35 फीसदी, लेकिन पस मंज़र जो है बाग के बाहर जबरवन पहाड़ियों में के दामन में एप्रिकॉट और तो हर जगह जो है वो शगुफे जो हैं वो पूरी तरह से खिले हुए हैं, और बाग के अंदर का मंजर भी हसीन है और बाहर का मंजर भी हसीन है। कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प मंजर है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आएँ, और इस बागी गुले लाला का जो 4 हफ्ते या 1 महीने तक जो ट्यूलिप शो होता है, जिसमें कुल मिला के 12 लाख ट्यूलिप्स आपको देखने को मिलेंगे, 8 लाख बल्ब मुकामी तौर पर लगाए गए हैं, 4 लाख जो है वो बाहर से मंगवाए गए हैं। कुल मिला के एक दिलचस्प और हसीन इम्तिजाज है। बहुत बहुत शुक्रिया।